देखिए मैं एक से वाक्य में जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा ना 4 मिनट 31 सेकंड में मैंने बोला एक भी बयान अपनी नेता का नहीं सारे आपके नेताओं के बोले थे इसलिए जवाब नहीं था। अब मैं आता हूं इस्तेमाल करने की बात। भैया आप जिसको इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं ना वो मनोरंजक कृत्य के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और बुजुर्गों की बात तो छोड़िए जो आयु अनुभव क्षमता में सबसे कम और बुजुर्गों के साथ कांग्रेस में क्या हुआ निजलिंगप्पा कामराज चौधरी चरण सिंह नीलम संजीव रेड्डी मोरारजी देसाई 67 से लेके देवराज अर्ष जगजीवन राम से लेके 1980 के दशक में प्रणब मुखर्जी जी और फिर अर्जुन सिंह शरद पवार एनडी तिवारी क्या क्या गिनाओगे भाई आपने क्या क्या किया सीताराम केसरी की तो पट्टिका उखाड़ के फेंकी गई तब जाके सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी। अब हम कांग्रेस के ऊपर न जाके इन्होंने कहा कि एक काम बताएं अभी आप लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि भारत फ्रांस को पीछे करके अर्थव्यवस्था के आकार में अब छठी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हम टॉप 10 से टॉप 5 की तरह जा रहे हैं और ये आईएमएफ का कहना है अगले वर्ष हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। सबसे ज्यादा एफडीआई है सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। इस समय जब आपकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ से रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी आज रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारे लिए लगातार दुनिया के देश ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गति से अगर सड़कें बन रही बिजली बन रही छोड़िए वो तो सरकार करती रही मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत जैसे देश में जहां नई सोच भी तो रखनी चाहिए ऊर्जा की समस्या है तो सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया और सौर ऊर्जा में हमने एक नया स्वरूप इसलिए वो एक अलग विषय अभी 4 साल पूरे हुए थे हमारी सरकार के हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर बहुत सारी बात की थी। पर मैं एक बात फिर अंत में कहना चाहूंगा मैं नहीं कहना चाहता आपने कहा पाकिस्तान में जाके किया बताइए जब पाकिस्तान बना था तो जून 1947 में बाकायदा किस पार्टी के रेजोल्यूशन में पास करके हस्ताक्षर हुए थे एआईसीसी का रेजोल्यूशन और शुरुआत कहां से हुई थी 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जब मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए कांग्रेस ने मान लिया और आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो उस समय भारत में चुनाव क्षेत्र जानते क्या लिखे गए थे मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे यह देश मुस्लिमों का हो तो आपने बीज आपने डाले विभाजन आपने किया साइन करके लाखों लोग उस समय दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए करोड़ों बेघरबार हुए और उसके बाद फिर मैं एक और बात कहूंगा 66 में गो हत्या में संतों पे गोली चलाने वाले आप 90 में कार सेवकों की हत्या करवाने मुलायम को समर्थन देने वाले आप 2007 में राम सेतु पे हलफनामा देकर यह कहने वाले कि राम थे ही नहीं जो अंग्रेज और औरंगजेब भी साहस नहीं कर पाए थे वो करने वाले आप और हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले आप अपोजिशन में आके हिंदुओं को तालिबान और पाकिस्तान कहने वाले आप और फिर कहते जी हम हिंदू मुस्लिम करते